नमस्कार दोस्तों, ये एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एटम बर्ग गुरिल्ला का फ़ैन है जो 1200 mm का। मैंने परचेज़ किया था एटम बर्ग गुरिल्ला का फ़ैन, राउंड अबाउट ये किया था अपना अगस्त के आसपास किया था, जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई एंड। उस फ़ैन में क्या हुआ, मैंने अमेजन पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े कि वो 25 वॉट्स तक की बिजली खर्च करता है, उसमें ये है वो है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, उसमें रिमोट है। सो मैंने भी देख लिया, बाकी रिव्यू अच्छे होते हैं, मेरे को लगा लेना चाहिए, अच्छा फ़ैन है, एनर्जी सेविंग फ़ैन है। सो मैंने उसको परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद जब मैंने उसको यूज़ किया तो मुझे लगा कि यार उसकी ना हवा मज़ेदार सी नहीं है। मतलब जैसे हमारे नॉर्मल फ़ैन होते हैं कि चलाओ तो हवा आती है मज़ेदार सी, हालांकि बिजली बिजली तो ठीक है बच जाती है, लेकिन फ़ैन का जो मेन पर्पज़ है हवा देना, वो उसमें यार मज़ेदार सा मुझे नहीं लगा, कुछ खास अच्छा नहीं लगा होगा। और साथ में दूसरा क्या हुआ, मैंने मेरा जो फ़ैन है एक्चुअली वो मैं एक्चुअली रिसर्चर हूँ, सो मैं घर पे ही काफ़ी टाइम में रहता हूँ, तो मेरा फ़ैन, और मैं सोता बहुत कम हूँ, ठीक है, तो मैं जागता बहुत हूँ काम करने के लिए, 3 या 4 या 5 घंटे सोता हूँ मैं, इससे ज़्यादा सो नहीं पाता। तो मेरा फ़ैन जो है कमरे का वो बहुत चलता है, मतलब ये लगा के चलो कि वो 10 घंटे 10-12 घंटे तो मेरा फ़ैन ऑन रहता ही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम बीच में उसको 4 या 5 घंटे का ही आराम मिलेगा पंखे को। क्या हुआ, मैंने अपना जुलाई में वो फ़ैन ख़रीदा था, जुलाई से अपना अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक, अगस्त एंड तक वो ठीक चला, और 1 महीने बाद वो फ़ैन क्या हुआ, अचानक से बंद हो गया। तो मेरे को लगा ये क्यों बंद हो गया, पहले मेरे को लगा शायद कोई वायर वायर लूज़ होगी होगी, तो मैंने ऊपर चढ़ के चेक किया, पता चला वायर वगैरह सब ठीक है। फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि सर ये आपका फ़ैन ख़राब हो गया है। फिर मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया उसके कस्टमर केयर नंबर पर जो दिया होता है फ़ैन के डब्बे पे या वेबसाइट पे। पहली बात तो कस्टमर केयर नंबर पेड है और 1816 है नहीं, मेरे लगे पैसे, ऊपर से उस पर कोई उठा नहीं रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने उनको मेल लिखी, मेल लिखी तो गूगल का मैसेज आया कि मेल अनडिलीवर्ड है, हालांकि इसका मतलब उनकी जो मेल है वो ढंग से काम नहीं करती जिस पर आप क्वेरी भेजते हैं। फिर मैंने अमेजन इंडिया को कॉन्टैक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे मैंने आपके यहाँ से परचेज़ किया था, मेरा फ़ैन ख़राब हो गया है, सर आप मेरी हेल्प कीजिए कुछ, अब इसकी वारंटी तो आपने लिखी थी लेकिन अब इसका कुछ हो नहीं रहा है। तो अमेजन वालों ने मुझे फिर एक नंबर दिया, उनकी कंपनी का सीधा नंबर दिया, तो फिर मैंने वहाँ कॉन्टैक्ट किया। तो उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हैं, वो ऐसा हो नहीं सकता, हमारा फ़ैन ख़राब नहीं हो सकता, ये है वो है, कहते हैं कि सर हम अपना फ़ैन चेक करने के लिए भेज देंगे। मैंने उनको बोला सर जी, मैंने उनको बोला सर ऐसा है, देखो मैंने आपका फ़ैन लिया 1 महीने में ख़राब हो गया, मैं कहा सर अब आप इसको रिपेयर करके देंगे, 1 महीना हुआ है मुझे फ़ैन लिए हुए। कहते चलो सर ठीक है, सर आप ये काम करते हैं, हम ना आपका नया फ़ैन भेज देते हैं। सो उन्होंने ऐसा काम, मैंने मान लिया चलो ठीक है नया फ़ैन भेज देंगे। फिर वेट करते 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 हो गए 1 हफ्ता हो गया वेट करते करते, कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने कहा था कि आपका फ़ैन भेज के आपको ट्रैकिंग नंबर देंगे। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने कहा सर आपने अभी तक ट्रैकिंग नंबर नहीं या ना ही कोई फ़ैन भेजा है। कहते सर हम भेज रहे हैं, हम मंडे तक भेज देंगे। फिर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने भेज दिया और नया फ़ैन आ गया। सो बेसिकली आ तो गया नया फ़ैन, मैंने उसको चलाया हुआ अभी लगाया, मतलब मेरा जुलाई से लेके अगस्त तक चला था, और अब देख लो ये हो रहा है क्या कहते हैं सितंबर, सितंबर का मिड हो गया लगभग मान लो। तो मेरे कंप्लेंट करने के 1 हफ्ते बाद उन्होंने शिप किया था और पहुंचने में उसको 1 हफ्ता लग गया। अब मैंने चलाया कल से उसे, मतलब फ़ैन ठीक तो चल रहा है, लेकिन मेरा बेसिकली पर्पज़ यह है कि फ़ैन का पर्पज़ होता है हवा देना। जो नॉर्मल 1200 mm का फ़ैन है उसके मुकाबले इसकी हवा कम है, काफ़ी कम है, हालांकि इसमें मैंने देखा है कि जो फ़ैन है वो काफ़ी स्पीड पर घूमता है, लेकिन जो इसका ब्लेड का डिज़ाइन है ना वो इतना अच्छा नहीं है। ब्लेड बहुत, मतलब ब्लेड्स की जो ब्रेड्थ है या विड्थ है जिसको आप कहते हैं चौड़ाई, वो कम है नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले, इस वजह से वो ज़्यादा एयर फेंक नहीं पाता। और दूसरा चलो मैं आपको फ़ैन दिखा देता हूँ, और दूसरा ये सीन है कि रिमोट दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसको यूज़ करना एक मतलब सिरदर्दी है कि आपको रिमोट कहीं आपने रख दिया फिर आप उसको ढूंढोगे। रेगुलेटर जो होते हैं नॉर्मल में तो ये है ना कि रेगुलेटर दीवार के साथ है, तो आपको पंखा स्लो करना है तेज़ करना है, आपको रिमोट ढूंढने की लोड़ नहीं है, ना कोई सेल की झंझट, आप उसको रेगुलेटर को सीधा घुमाओ और यूज़ करो। चलो मैं आपको आगे फ़ैन दिखाता हूँ अभी, और उसके बाद हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, मैं यहाँ पॉज कर। ये है फ़ैन एटम बर्ग गोरिल्ला का 1200 mm वाला, जब आप इसको ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चल पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको पॉज कर रखा है। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको पहले चलाऊँगा 1 नंबर स्पीड पे।
ये है इसकी 1 नंबर स्पीड। और ये फैन नॉर्मल फैन की तरह नहीं चलता, थोड़ा सा झटका देता है चलते हुए। ये है इसकी 1 नंबर की स्पीड। हालांकि आपको लग रहा होगा बड़ी तेज चल रहा है, हवा अच्छी दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पीड तो है लेकिन हवा इतनी अच्छी नहीं है इसकी फैन की। और एक और चीज़ है, जैसे मैं नीचे खड़ा हूँ तो हवा आ रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर निकलता हूँ तो हवा नहीं आती इसकी। मतलब ये हवा को फैला नहीं पाता कमरे में जो पंखा है। अब मैं इसको करता हूँ 2 नंबर पे, ये हुआ नहीं 2 नंबर पे। और जब भी आप इसकी कोई बटन दबाओगे ऊपर लाइट जलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बटन काम किया नहीं किया। अब मैं इसको चलाता हूँ 3 नंबर पे, ये 3 नंबर, ठीक है। अब मैं इसके नीचे खड़ा हूँ इसलिए हवा लग रही है अच्छी खासी। अब मैं चलाता हूँ इसको 4 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर, ये है इसकी स्पीड 4 नंबर पे। और अब मैं इसको करता हूँ 5 नंबर पे, ये हो गया 5 नंबर, ये इसकी फुल स्पीड है पंखे की। अभी फुल हो जाने देता हूँ ताकि आप लोग देख लें, ये इस पंखे की फुल स्पीड है। अब इन्होंने इसमें एक बूस्ट मोड दे रखा है जिससे आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पीड और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं बूस्ट मोड चलाने जा रहा हूँ, अब आप स्पीड में फ़र्क देखना। ये मैंने बूस्ट कर दिया, हालांकि हवा की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम वही है कि इस पंखे के सिर्फ नीचे हवा आती है अच्छी, आसपास इस पंखे के हवा नहीं पहुंच पाती, मतलब हवा नहीं फैला पाता। मतलब पंखे की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आसपास नहीं हवा फैला पाता, ठीक है। और ये मतलब अब मैं इस पंखे को रोक के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने रोक दिया। अब हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिमोट। ये इस पंखे का रिमोट है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिमोट है इसका। इसके अंदर आपका एक पावर बटन है, एक बूस्ट बटन है, अलग अलग मोड है, एक स्लीप मोड भी है, एक टाइमर मोड है। सच्ची टाइमर मोड से क्या है कि अगर आप इसको दबाएंगे, जैसे आप इसको 6 को दबाएंगे तो ये 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये जैसे आप रात को सोते हैं तो आपको स्विच ऑफ वगैरह करना है, ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि स्विच ऑफ हो जाए, तो उसके लिए है बेसिकली, ठीक है। तो ये है इसका रिमोट आइटम वर्क का। इसके अंदर ब्रेक वाले सेल डलते हैं दो। अब ये तो हो गया इस फैन का। अब मैं इसको क्यों कहता हूँ कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी हवा जो नॉर्मल 1200 mm वाले फ़ैन है उसके मुकाबले हाफ है लगभग, ठीक है। आपको भी वीडियो में लगा होगा बहुत तेज़ चल रहा है वो फैन, जो बहुत तेज़ घूमता है, लेकिन जितनी स्पीड पर घूमता है उतनी तेज़ हवा नहीं थ्रू कर पाता ब्लेड्स की वजह से। ब्लेड्स की विड्थ कम है, और मैंने इसमें सोचा कि चलो ब्लेड चेंज करके देखते हैं। तो मैंने दूसरी कंपनी के ब्लेड लगाने की कोशिश की, लेकिन वो लगते नहीं है। इसके जो होल्स हैं ब्लेड वाले, उनको इस उनकी जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले कम है, इसलिए नॉर्मल फ़ैन वाले इसमें लग नहीं पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और साथ में ये हवा को साइड्स में नहीं फैला पाता। अगर आप फ़ैन के बिल्कुल नीचे बैठे हैं या थोड़ा सा फ़ैन के नीचे से थोड़ा सा आसपास बैठे हैं 1 या 2 कदम, तो आपको हवा अच्छी लगेगी। अगर आप ज़्यादा बाहर हो जाएंगे तो आपको हवा नहीं लगेगी। ये फ़ैन छोटे कमरों के लिए ठीक है, मतलब जैसे कि आपने लगाना हो पूजा रूम में लगाना हो, या फिर आपका बेडरूम छोटे साइज़ का हो, ठीक है। मतलब सिंगल बेड वाले बेडरूम हो गया, छोटे छोटे कमरे हो गए, वहाँ पे ठीक है। बड़े कमरों के लिए फ़ैन कामयाब नहीं है, इसकी हवा इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है दूर तक, बिल्कुल सिर्फ नीचे नीचे तक हवा आती है फ़ैन पंखे के नीचे तक। इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो पंखा होता है वो हवा देने के लिए होता है, सिर्फ बिजली बचाने के लिए। अगर आप लगा रहे हैं तो फिर छोटे कमरे में लगाइए उसको, बड़े में ना लगाइए, ठीक है। तो ये रही मेरी। और हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ, अगर आप फैन खरीद रहे हैं, मेरे घर में मैंने काफ़ी सारे फैन अलग अलग कंपनी के लगा रखे हैं। तो मेरे घर में ओटम लगा है, एक ओरिएंट PSPU लगा है, एक बजाज फैन लगा है, एक लेज़र लगा हुआ है जो कि काफ़ी कॉमन है। हालांकि आपने ओटम ओटम का नाम नहीं सुना होगा, ORTEM ओटम, इस कंपनी का नाम सुना नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ओटम के फैन सबसे अच्छे हैं हवा देने के मामले में। और जिस कमरे में मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ इसमें ओरिएंट PSPU लगा है, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी हवा पसंद नहीं आती ओरिएंट की सब। और जो मैंने अपने बेडरूम्स के अंदर से जो पहले ओरिएंट PSPU लगा था वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने उसको वहाँ से हटवा के मैंने ऑटम लगवाया है वहाँ पे नए अभी पीछे। ऑटम अगर आप हवा चाहते हैं तो आप ऑटम फैंस लीजिए।
ऑटम फैन बड़े कमरों को भी बहुत अच्छा कवर कर देंगी, क्योंकि ऑटम फैंस की हवा बहुत तेज़ है और फैलती भी अच्छी है हवा ऑटम फैंस की। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। फैंस की हवा के रिगार्डिंग आप ऑटम फैन ले सकते हो, बेस्ट फैन है। थोड़ी सी बिजली खर्च कर लीजिए, हालांकि गर्मी ही है, हवा चाहिए आपको, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप ओरिएंट PSP ले रहे हैं तो वो आपको 60 वॉट का पड़ेगा। ठीक है, पंखा जो होता है नॉर्मल, ऑटम लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 70 वॉट का हो जाएगा, 10 वॉट फालतू हो जाएंगे। लेकिन हवा भी तो उससे बहुत ज़्यादा देगा, कि मतलब अगर 100 की हवा ओरिएंट PSP दे रहा है तो आपको ऑटम 150 देगा, 10 वॉट के पीछे 150 या 170 देगा वो हवा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑटम फैन ज़्यादा बेटर है। और ये गोरिल्ला फैन जो मैंने लगाया है, अब मैंने इसको टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। अब मैं इसको उतार के ना अपने ऊपर एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें मुश्किल से डबल बेड आ पाता है, मैं उसको वहाँ लगा दूंगा, क्योंकि उस छोटे कमरे के लिए वो ठीक है। बड़े कमरे के लिए ये जो एटम बर्ग गोरिल्ला एनर्जी सिंक फैन है, ये कामयाब नहीं है। ठीक है, सो ये है मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।